Today, SP North Nidhi Walson took press briefing to tell us that they have caught 12%. Yes, sir. आज कलंगूट पुलिस स्टेशन के टीम ने एक इंटर स्टेट गैंग को गिरफ्तार किया है, जिसमें 12 लोगों को पकड़ा है और अरेस्ट किया है। ये लोग बेसिकली महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ये सनबर्न फेस्टिवल को और गोवा के टूरिस्ट सीजन को टारगेट करके गोवा में आए थे। इनका प्राइमरी टारगेट वॉज टूरिस्ट। देयर मेन टारगेट वॉज ब्रांडेड मोबाइल फोन्स। इनसे हमें 41 ब्रांडेड मोबाइल फ़ोन, जिसमें मैक्सिमम एप्पल का आईफोन है, अभी रिकवर किया है। ये लोग जो इनोवा कार में आए, वो भी हमने सीज किया है। वी आर ऑल्सो फाइंडिंग इट आउट वेदर दे आर इन्वॉल्व इन एनी दिस कार्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन एनी क्राइम। इनसे जब पूछताछ किया और भी इंट्रोगेशन किया, तो इनसे 8 ग्राम MDMA भी हमने रिकवर किया है। इंट्रोगेशन में बोला ये लोग और भी है, अभी हमने टीम को और जगह में भेजा हुआ है। ये लोगों का प्राइमरी टारगेट थे सनबर्न में, तो इन लोगों ने ये भी बताया है कि दे हैव ट्राई टू स्नीक इन टू सनबर्न बाई बाइंग द टिकट सोर्स। सो हमने पहले ही अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क एक्टिवेट किया था कलंगूट PI के इंटेलिजेंस नेटवर्क से। वी वेर एबल टू कैच होल्ड ऑफ दिस एक्यूज एंड द केस हैज बीन रजिस्टर्ड। नाउ इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस। इनको कहाँ से गिरफ्तार किया आपने, लोकेशन? इनको कलंगूट के बागा में 2 होटलों में ये लोग रह रहे थे। हमें इंटरनेट इंफॉर्मेशन मिला, तो उसके बाद CCTV इंफॉर्मेशन ये मिला कि ये गैंग के लोगों को इधर कई पर्टिकुलर जगह में आ रहे, तो वहाँ पे गया। फिर CCTV फुटेजेस हमने एनालाइज की, CCTV फुटेज इनके मूवमेंट हमने ट्रैक किया एंड फर्दर efforts we were able to track them and catch them from 2 hotels in Bagh. So what was the modus operandi? Is it only theft or even drugs, selling of drugs? Because since we have recovered the drugs, we may say they might be involved in drug peddling, and they are actually criminal gang. So they are into multiple things, mobile chori and as well as might be in drug peddling. So is it a big gang? Because you just now... No, primarily their target is mobile phones. Might be they were planning for drug peddling also. But mainly jo humne se recover kiya, there are 41 mobile phones. So the primary modus operandi is mobile theft. Maharashtra se... Sorry? Mobile ka cost kitna hota? It might be close to 30 lakhs. मोबाइल आईफोन का टेक द मार्केट वैल्यू, सैमसंग का लेटेस्ट फोन्स एंड ऑल। महाराष्ट्र से कोई उनका रिकॉर्ड मिला है क्या पहले भी? वी आर एक्चुअली ट्रैकिंग द, वी एक्चुअली रिसेंटली वी जस्ट नाउ द इट्स अ बिग गैंग तो लोग है, तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट थ्रू द रिकॉर्ड्स। कितने दिन पहले आए थे वो गोवा में? दे केम जस्ट 2-3 डेज बैक। सर जो मोबाइल रिकवर किया ना, कहाँ से चोरी किया था उसमें ज़्यादा? सी इट्स 41 मोबाइल फोन्स, द एक्यूज्ड इटसेल्फ इज नॉट एबल टू टेल कि कहाँ से रिकवर किया। सो वी आर गेटिंग द IMEI नंबर्स एंड ट्राई टू फाउंड आउट कहाँ से चोरी किया। माइट बी सम ऑफ देम मेड बी स्टोलन फ्रॉम गोवाइज। उसके रिगार्डिंग वेदर ऑल द पासेस वर बॉट और समबडी गिव देम? नो, दे बॉट द टिकट्स
online tickets. They didn't ask. That has been verified. That is what they told. So we are checking that. That is what they told. Because there are some complimentary passes. They told. See, there are more people involved. जिन लोगों ने ये पास लिया है, दिस टिकेट्स दे बॉट फ्रॉम ऑनलाइन, बट दे आर हैड टू बी ट्रैक्ड. सर, वो बागा में रहते थे होटल में, हां उन्होंने उधर अपना सिक्स आइडेंटिफिकेशन दिया है. या दैट इज व्हाट वी आर वेरीफाइंग इट. इन्होंने क्या आइडेंटिफिकेशन दिया है, ठीक है, अभी दिस इन्वेस्टिगेशन द इनिशियल स्टेज, वी विल चेक दैट एज़ वेल. Along with drugs and robbery, they will also be put under prevention of organized crime. We will see organized crime ke liye we have to have multiple FIRs and the financial implications should be also there. Hum legal opinion lenge agar usme अगर वी कैन बुक अंडर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वी विल डू दैट आल्सो. मोबाइल मिसिंग का केस कहाँ पे रजिस्टर है गोवा में, इतने सारे मोबाइल पकड़े गए तो? अभी एज ऑफ नाउ वी गॉट वी हैव ट्रैक टू वन केस इन कलंगुट पुलिस स्टेशन, सो वी आर चेकिंग विद द रिकॉर्ड्स इन अदर पुलिस स्टेशन एज वेल एंड वी विल ट्राई टू मैच इट. अभी तो NDPS का भी केस अभी बिकॉज NDMA का यह है तो वी विल हैव NDPS केस. अभी इट्स ए स्टोलन प्रॉपर्टी सो 41 में ये है, सो वी एक केस हमारा अलग से केस कलंगुट का केस भी है एंड वंस वी आर एबल टू कनेक्ट टू दैट FIRs अदर FIRs दे विल बी एक्चुअली हैंडेड ओवर टू दैट पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. सर, सिंस यू ऑल